तो गाइस, होपफुली यू ऑल आर डूइंग फाइन। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नितिश मास किचन में। तो एक बार फिर से मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रेडिशनल, सबसे ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस रेसिपी जिसको हम फरा कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं फरा बनाने के लिए हमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। फरे बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम चने की दाल जो कि हमने ओवरनाइट भिगो ली है, 120 ग्राम उड़द की दाल जिसको हमने रात भर भिगो के रखा हुआ था, ओवरनाइट इसको आपको रखना है, चावल का आटा आधा किलो, नमक और हींग। अब आते हैं अपने मसाले की तरफ। मसालों में मैंने यहाँ छोकने के लिए लिया है सूखी लाल मिर्चें, लहसुन की कलियाँ, ज़ीरा। तो फ्रेंड्स, तब हम 100 ग्राम चने की दाल को मिक्सी में जार में डाल के पीस लेंगे। इसे हमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है फ्रेंड्स, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये फ्लोइंग हो जाएगा तो बनेगा नहीं। इसलिए हमें पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम इसमें उतना ही डालें जितना कि ज़रूरी हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल पीस के रेडी हो चुकी है। तब हम 120 ग्राम उड़द की दाल भिगोई हुई भी पीस लेंगे। इसमें भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा फ्लोइंग ना हो और इसकी थिकनेस पतली ना हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं छू करके बता रही हूँ कि इसका टेक्सचर कैसे आया है। अब ये जो मसाले हमने लिए हैं, ज़ीरा, लहसुन की कलियाँ, सूखी लाल मिर्चें, इनको हम एक साथ मिक्सी में पीस लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि पीसने के बाद ये हमारे मसाले रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम दाल में मिक्स कर देंगे, दोनों दालें एक साथ मिला लेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हमने इसमें डाल दिया है पिसे हुए मसाले, हींग, वन टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून लोडेड ऑफ कोरिएंडर पाउडर। सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सब्जी मसाला। आपको जितना ज़्यादा स्पाइसी चाहिए फरे, आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए इसलिए मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया है। सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दालों में सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ये अब बिल्कुल स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आटा प्रिपेयर करने। तो सबसे पहले मैंने इसमें 500 ग्राम चावल का आटा ऐड किया है, 100 ग्राम गेहूं का आटा ऐड किया है, घी और नमक डाला है और इन सबको मैंने गर्म पानी से गूंद लिया है। गेहूं का आटा मिलाते समय फ्रेंड्स, मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए मैंने इसे शूट नहीं किया। बट मैं इसको वर्बली बता रही हूँ, इससे इसमें अच्छी बाइंडिंग आती है और फरे खिले खिले बनते हैं।
टू फ्रेंड्स, अब फरी बनाने के लिए सबसे पहले आओ मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ले लिया है। इसको हथेलियों पे लगाएंगे, ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद हम थोड़ा सा चावल का आटा हाथ पे रख लेंगे, उसको गोला बना देंगे। गोला बनाने के बाद हम उसे धीमे धीमे प्रेस करेंगे ताकि वो फटे नहीं। यहाँ पे मैंने बेलन का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, जो कर रही हूँ मैं हथेली के ही हेल्प से कर रही हूँ। फिर उसको प्रेस करने के बाद हम इसमें अपनी स्टफिंग ऐड करेंगे और इसे मनचाहा शेप देंगे। मैंने इसे ट्रेडिशनल शेप ही दिया है, आप चाहे तो अपने मनपसंद शेप में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे फर्स्ट फरा बन करके तैयार हो चुका है। ऐसे ही हम रिपीट करते जाएंगे तो सारे फरे बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम इनकी स्टीमिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फरे की स्टीमिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने 25 लीटर वाला भगोना यूज़ किया है। मैंने सोचा पहले मैं स्टील वाला यूज़ कर लूँ, फिर बाद में मैंने सोचा रहने दो, बड़े वाले भगोने में बनाते हैं क्योंकि ये बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है स्टीम बनने के लिए और इसको बॉयल होने चढ़ा दिया है। बॉयल होने के बाद हम इसमें जाली वाली थाली ले लेंगे। ये आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगी, आप कोई भी बर्तन वाली दुकान के पास जाएंगे, आप इसके लिए पूछेंगे तो बड़ी आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल है। इसको मैंने यहाँ चढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम रिफाइंड से ग्रीजिंग कर लेंगे थाली की, ताकि जब भी हम फरे इसमें डालें स्टीम होने के लिए ये चिपके नहीं आपस में। इसलिए ग्रीजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फरे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे एक एक करके थाली में चढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कवर हटा दिया है और फरे देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पक चुके हैं। बट फिर भी मैं आपको इसका टेस्टिंग प्रोसीजर बता रही हूँ। मैंने एक यहाँ चाकू लेकर के स्टफिंग के अंदर इंसर्ट करी और उसके बाद देखा कि ये पक के तैयार हो गया है कि नहीं। तो अगर आपकी जो नाइफ़ है वो एकदम क्लीन बाहर आती है तो आप समझ जाइए कि हमारे फरे अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं और अब हम इसमें और ज़्यादा स्टीम नहीं करना है। तो आप चाहे तो इसको सॉस से भी खा सकते हैं या तो इसको आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, जिसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी। तो बस फ्रेंड्स, ये थी आज की रेसिपी। और बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से लाइक करिए, शेयर करिए और चिल करिए। बाय बाय।